हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला डेली कंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 मई। 17 मई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट कंट अफेयर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल जीता है। फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 82.27 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है और इसी स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 87.80 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता था 2021 में। साथ ही 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन जो है 12 से 15 मई तक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था और इसी प्रतियोगिता में जो है डीपी मनु ने सिल्वर मेडल और उत्तम पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने 2024 दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल हासिल किया था, पिछले करंट अफेयर में हमने देखा था। सुनील छेत्री ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? सुनील छेत्री जो है भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, जिन्होंने जो है फुटबॉल टीम से उन्होंने खेल से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सुनील छेत्री अपना आखिरी मुकाबला 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे और भारत के लिए सुनील छेत्री के नाम जो है 150 मैचों में 94 गोल है, जो कि इनकी काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। सुनील छेत्री क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले एक्टिव खिलाड़ी हैं। सुनील छेत्री का जन्म 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद में हुआ था और उनकी माँ का नाम सुशीला है, जो कि वे भी जो है फुटबॉलर हैं। नेपाल के लिए जो है नेशनल फुटबॉल टीम के लिए उन्होंने जो है खेल चुकी हैं। सुनील छेत्री को साल 2021 में खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है और इससे पहले उन्हें 2019 में पद्मश्री और 2011 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा छेत्री ने अपने शानदार करियर में 6 बार जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सुनील छेत्री ने भारत के लिए साल 2005 में सीनियर टीम में डेब्यू भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान ने पेश किया है दुनिया का पहला 6G डिवाइस। जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है पेश किया है, जो कि 5G से 20 गुना तेज होगा और 100 गीगाबिट प्रति सेकंड की गति से डेटा संचारित करेगा। वर्तमान में 5G जो है सैद्धांतिक गति अधिकतम गति जो है उसकी 10 GB प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है। हनुमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 7 IIT, रिलायंस, SML इंडिया, अबू धाबी की 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होल्डिंग कंपनी, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कितने लोगों ने जो है यह जो है हनुमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यानी कि कितने लोगों ने मिलकर तैयार किया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्होंने जो है मिलकर तैयार किया है और यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। इस चैटबॉट में यूजर्स को 98 भाषाओं का सपोर्ट मिलता है। यह एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसका इस्तेमाल यानी कि 12 भारतीय भाषाओं में किया जा सकता है। इस आर्टिफिशियल चैटबॉट का इस्तेमाल जो है ऐप और वेब वर्जन के साथ किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में करंट अफेयर में हमने पढ़ा था, जो कि यानी कि मीडिया पुरस्कार 2024 जो है न्यूज़ एंकर सना ने जीता है, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीईओ का नाम है मिका और भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है आइरिस, जो कि केरल के एक स्कूल में पोस्टेड है, और डेविन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट अमेरिका की कंगिशनर नामक कंपनी ने लॉन्च किया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित यानी कि किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया जा चुका है। और प्रख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को
साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। रस्किन बॉन्ड ने 300 से अधिक लघु कथाएं, निबंध और उपन्यास और बच्चों के लिए 30 से अधिक पुस्तकें जो हैं लिखी हैं। इनके पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2012 में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार और 1999 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से इन्हें नवाजा गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप की हम बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित तो बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। साहित्य अकादमी फेलोशिप जो है साहित्य सम्मान है, जो कि यह जो है सर्वोच्च सम्मान है और साहित्य अकादमी के द्वारा जो है यह प्रदान किया जाता है, और जीवित लेखकों यह जो को जो है यह अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 1968 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है फेलोशिप के लिए चुने गए पहले लेखक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश रहा है। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में भारत शीर्ष पर रहा है, और भारत ने 2023 में 116 इंटरनेट शटडाउन दर्ज किए गए हैं। एक्सेस नाउ के अनुसार भारत लगातार छठे वर्ष विश्व में अग्रणी रहा है, साथ ही मणिपुर को जो है सबसे लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। केदारनाथ यात्रा 2024 के दौरान मर्यादा सुनिश्चित करने और नशीली दवाओं के उपयोग और उपद्रवी व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा रुद्रप्रयाग में ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। तीर्थ यात्रियों से तीर्थ स्थलों की पवित्रता का सम्मान और करने का आग्रह किया गया है। पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए खिलाफ जो है चालान काट रही है और मामले दर्ज कर रही हैं। उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 को किया गया, उत्तर प्रदेश से अलग करके जो है उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को। राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं, विधानसभा की 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड को, जो कि राजकीय सीमा साझा करती है और दो जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। उत्तराखंड चाइना और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, साथ ही हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ राजकीय सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फोन पे ने किस देश में यूपीआई लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुविधा लॉन्च की है। इसके लिए फोन पे ने श्रीलंकाई कंपनी लंका पे के साथ डील साइन की है। अब यूजर्स जो हैं श्रीलंका में भी फोन पे का इस्तेमाल कर सकेंगे। श्रीलंका में टूरिस्ट लंका पे का क्यूआर कोड स्कैन करके फोन पे से पेमेंट कर सकेंगे और राशि एक्सचेंज रेट के आधार पर जो है वो भारतीय रुपया में कटेगी। फोन पे की बात आई है तो फोन पे से संबंधित बेसिक जानकारी हम रिवाइज करते हैं। फोन पे को भारत ने जो है 16 अगस्त 2016 में लॉन्च किया था और इसके संस्थापक हैं समीर निगम, और देश में फोन पे के 52 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं और फोन पे पर लगभग जो है 3.8 करोड़ मर्चेंट कस्टमर्स रजिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला बेनीवाल किस राज्य की पहली महिला मंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे जो है राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेता डॉक्टर कमला बेनीवाल का 97 साल की उम्र में निधन हो गया है। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी और डॉक्टर कमला बेनीवाल गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 11 साल की उम्र में कमला बेनीवाल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी की महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौसमी चक्रवर्ती ने जो है चक्रवर्ती ने आकाशवाणी की महानिदेशक के पदभार जो है ग्रहण किया है। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी और आकाशवाणी समाचार सेवा की महानिदेशक
मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 ईस्वी में हुई थी और 1927 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। उसके बाद जो है 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। रेडियो संचार विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होता है और गुग्लियमो मार्कोनी ने 1901 में रेडियो का आविष्कार किया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब बार ये रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को, वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना बना है। इंडियन एयरफोर्स ने आसमान में उड़ने वाले अस्पताल का सफल परीक्षण किया है, इस अस्पताल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म रखा गया है। टेबल टेनिस ने टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा बनी है। नागरिक संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को नागरिकता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 लोगों के दी गई है। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले की मौत राफा शहर में हुई है। राफा शहर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है गाजा में स्थित है। 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है 16 मई को। भारत ने बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए किस देश को मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या को। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ नमो ड्रोन दीदी परियोजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबाना आजमी को। नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किस देश से है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा देश से है। अब बार ये एडिशनल जीके की, आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे प्रथम महिलाएं। तो प्रथम महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, तो इससे संबंधित जो है जीके हम देख लेते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल हैं प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं सुमित्रा सिंह जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं जो कि उत्तर प्रदेश में जो है पोस्टेड थी। और महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की, यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए जो है पोस्टेड थी। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सिंह हैं। भारत में पहली महिला कैबिनेट मंत्री अमृत कौर हैं जो कि नेहरू सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं। राजस्थान कैडर की पहली महिला ऑफिसर जो है नीना सिंह हैं, यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला महानिदेशक अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, नीना सिंह है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।